हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपका ब्लूटूथ स्पीकर थोड़ा अलग हो सकता है, पर यहां पे सारे ब्लूटूथ स्पीकर एक ही तरह से कनेक्ट होते हैं। तो कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना है, 4-5 साल पुराना है या उससे ज़्यादा पुराना है, तो आप लैपटॉप के साइड में देखें, उसमें एक बटन होगा प्रेस करने वाला या स्लाइड करने वाला, आप उसे यूज़ करें। उससे वाईफाई और ब्लूटूथ चालू होता है, तो उसे यूज़ करें। फिर कॉर्नर की तरफ यहाँ पे आपको एक ब्लूटूथ का आइकन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आइकन आपको मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, ओपन सेटिंग पर क्लिक करना है। पर यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से दबानी है विंडो की, और यहाँ पे मेरे पास विंडो 10 है। अगर आपके पास विंडो 10 है या 8 है तो आपको सेम टू सेम करना है। विंडो की दबाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सेटिंग, आप में आ जाएगा, ये ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइसेस, आपको इस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ बंद होगा, तो पहले इसे ऑन कर लीजिए, मेरा अनेबल है पहले से ही। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर को चालू करना है। हम चालू करते हैं इसको। तो ये चालू हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ ब्लूटूथ माइक कीबोर्ड पैंस और ऑडियो, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ स्पीकर सर्च लेगा, यहाँ पे आ चुका है TG-113, आपको इस पर क्लिक करना है। कनेक्टिंग ले रहा है ये और कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम इसे क्रॉस कर देते हैं और एक YouTube वीडियो चलाते हैं अपनी। तो हम क्रोम में जाते हैं, ये रही हमारी YouTube वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में अपने स्मार्टफोन तो आप देख सकते हैं अलार्म कैसे लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउंड प्ले हो रहा है और सेटिंग में ये कनेक्टेड भी दिखा देगा कि यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है कनेक्टेड है, ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।